नमस्ते दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है हाउ टू सेट योर रिकॉर्डिंग लेवल्स। जो आप प्रोजेक्ट में जब आप कोई ऑडियो ट्रैक को रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जो वोकल ट्रैक है, वोकल ट्रैक को रिकॉर्डिंग करने जा रहा है, तो उसी ट्रैक को रिकॉर्डिंग करते बाद आपका इनपुट लेवल कितना रखना चाहिए। पिछले कुछ वीडियो में इस बात को लेकर मैंने जिक्र किया था कि लेवल कितना होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली क्या है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स में पूछा जाता है कि लेवल्स, इनपुट लेवल्स कितना रखें, कैसा रखें। मैं बोल रहा हूँ इनपुट लेवल कितना रखना चाहिए, इसका भी एक साइंस है, इसके पीछे एक साइंस काम कर रहा है। जब एनालॉग फील्ड था तो उस टाइम हम लोग 0 dB के आसपास हमारा जो इनपुट लेवल है वो लेवल रखा करते थे, क्योंकि उस टाइम नॉइस फ्लोर का जो रेशियो था, वो नॉइस फ्लोर का रेशियो के हिसाब से हम जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, नॉट ओवर देन 0 dB, लेकिन 0 dB के आसपास हम लोग इनपुट लेवल रखते थे ताकि हमको साउंड बहुत ज़बरदस्त साउंड मिले, राइट। लेकिन आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सब लोग आ गए, सबके घर घर में होम स्टूडियो है, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए लेकिन कुछ अलग का आपको फार्मूला अपनाना पड़ेगा, और वो है कि आप 0 dB के पास कभी जा नहीं सकते, क्योंकि आपको 0 dB और इन्फिनिटी जो है, मतलब बिल्कुल नीचे जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कि बिल्कुल अगर यहाँ पे जाएंगे तो -60 -80 dB के नीचे ये आ जाता है, मतलब इसको कहते हैं हम इन्फिनिटी में। तो इसका जो रेंज आप देख रहे हैं 100 mm अगर ये फेडर लेवल है, तो इसका बिल्कुल बीच में आपको लगभग ऑडियो लेवल होना चाहिए था। तो इसलिए हम पहले रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या करेंगे, ये जो वोकल ट्रैक है इसमें हमने रिकॉर्डिंग किया ऑलरेडी, तो मैंने एक यहाँ पे एक व्यू मीटर लगाया, और व्यू मीटर में मेरे को एनालॉग फील्ड के हिसाब से ये मेरे को सिग्नल दे रहा है। आप यह देखिएगा, जब भी आप कोई भी वोकल ट्रैक में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपका होम स्टूडियो में, तो उसका जो बिल्कुल ऊपर वाला जो इंसर्ट सेक्शन है वहाँ पे आपको व्यू मीटर लगाना है, और व्यू मीटर लगाने के साथ साथ उसका कैलिब्रेशन वैल्यू जो है, हेडरूम वैल्यू, आपको 18 पे रखना है, 18 में, नॉट मोर देन 18, नॉट लेस देन 18, मतलब आपको 18 में रखना है वहाँ पे, 18 में आप उसका वैल्यू रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये 0 के आसपास रहे, क्योंकि ये एनालॉग फील्ड में जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप डिजिटल फील्ड में, तो आपका साउंड कट के क्वालिटी के हिसाब से ये जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा तो उसमें क्या होगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा -6 to -10 या मैक्सिमम -12 dB। इसके अंदर आपका ऑडियो का लेवल, जो डायनामिक जो लेवल आप देख पा रहे हो, उसका लेवल यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो काटा है, ये काटा 0 तक आ रहा है कि नहीं। कभी कभार आपको ये भी दिखाई देगा कि ये कभी कभार +2 या +3 तक भी जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर डीबी हो रहा है, लेकिन इसका डायनेमिक फिगर जो देख पा रहे इसके लिए ये 0 से ऊपर जाएगा कभी कभार, लेकिन अगर हमेशा 0 के ऊपर रहेगा तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको भी लगा कर रखिए, और एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि व्यू मीटर का ये जो बत्ती है यहाँ पे, ये कभी रेड ना हो जाए, तो आप उसी हिसाब से जो इनपुट आप देना चाहते हैं उसी इनपुट में देखें आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, अब देखिए एक बार, यारो मैं दूर नहीं, आप देख पा रहे तुमसे, ये 0 तक जा रहा है, कभी कभार बाहर भी जाएगा, कि मैं दूर चला तुमसे यारो। यहाँ पे लेकिन कोई मतलब कंप्रेसर इक्वलाइजर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर आप कंप्रेसर इक्वलाइजर भी देंगे ना तो इसका नीचे आप देंगे, लेकिन ये जो व्यू आपको, ये जो व्यू मीटर जो है, ये व्यू मीटर आपको शो करेगा इसका जो बिल्कुल रॉ प्रोडक्ट जो है, मतलब इसका जो इनपुट लेवल है, ये इनपुट लेवल आपको यहाँ पे शो करेगा, और आप इसको देखते हुए आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दीजिए एक बार, यारो देखिए मैं जो लो लेवल जो है तुमसे लगभग ये ना सोच -11.4, मतलब -12 के नीचे अंदर है, मतलब -12 के अंदर ही तो है, यारो ऊपर जाके देखिए
मैं दूर नहीं तुमसे, -6 के आसपास ये ना सोचूं, और -12 के कि मैं दूर चला तुमसे। इसका जो स्पार्क दे रहा है, स्पार्क को हैम कीजिए। एहसास है मुझको, देखो -4.6 में पहुंच गई है। खफा तुम हो यारो, कुछ बात ऐसी सताए मुझको। तो जो आप देख रहे हैं, ऊंचाई में जब जा रहा है भोकाल आर्टिस्ट, तो कब तभी उसका जो पीक लेवल -4.6 तक हो जा रहा है, और ये +3 तक आ भी जा रहा है। लेकिन कभी कभार अगर ये टच भी करेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस अगर ये -4.6 मतलब -6 के ऊपर रहेगा तो मुश्किल है आपका जो ऑडियो क्वालिटी, उसमें बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसमें डिस्टर्शन आ सकता है। क्योंकि आप जब भी उसमें कंप्रेसिंग एंड इक्वलाइजर सब यूज़ करेंगे तो वो आपको जो ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड किया था वो ऑडियो को और भी पंप अप करेगा, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जीरो के ऊपर उसका प्रेशर आ जाएगा। तो इसीलिए आप देखो इसमें मैं जीरो कर रहा हूँ, मैं इसको 0 dB तो यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे 0 dB एनालॉग में, लेकिन यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि मैं दूर चला -1.8 तुमसे। इन जनरल मैं अगर रिवर्ब भी लगाएंगे ना दूर चला, तो इसका आउटपुट लेवल यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। एहसास है मुझको, खफा तुम हो यारो। अब देखिए कुछ बात, मैं सब रिवर्ब को ऐड किया था, लेकिन एक्सटर्नली रिवर्ब को मैंने ऐड किया था। मुझको आप रिवर्ब को ऐड करें या ना करें, इसके साथ साथ आप रिवर्ब को ऐड करें या ना करें, इसके साथ ये व्यू मीटर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये से आपको दिखाता है कि एनालॉग फील्ड में आपका ऑडियो सिग्नल कहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर लाल बत्ती जल गया तो मतलब आपका ऑडियो क्लिप हो गया है, तो उस टाइम आपका जो प्रीएम्प है उसका प्रीएम्प का लेवल थोड़ा सा कम कीजिएगा आप, राइट। मैं आपको और भी एक चीज़ दिखाऊंगा कि इस ट्रैक में, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वाला जो ट्रैक है, यहाँ पे वोकल जा रहा था, यारो देखिए जा रहा है, मैं दूर नहीं तुमसे। तो ये इस वोकल में अगर मैं एक नया सा, मतलब अगर कोई ऑडियो मैं अगर रिकॉर्ड करूँगा तो उसका लेवल मैं कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको आपके लिए एक ये माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, जो माइक्रोफोन हमारे चैनल पे मिक्सिंग कंसोल पे ऑलरेडी एडेड है, और मैं इसका सेटिंग चेंज करता हूँ क्योंकि ये है 3 नंबर चैनल पे लगा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डॉ है मतलब जिस ट्रैक में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जिस सिस्टम में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसका इनपुट लेवल आपको देना पड़ेगा इंटरफेस नंबर 3। 64 चैनल को एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा साउंड कार्ड वैसा है। आप अगर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका साउंड कार्ड के हिसाब से आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि कोई किसी के पास 8 चैनल है, किसी के पास 4 चैनल है, किसी के पास 6 चैनल मिक्सिंग कंसोल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अगर 32 चैनल या 64 चैनल साउंड कार्ड हो तब जाके ऐसा कुछ क्वालिटी मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मैं ये जो माइक है, इस माइक को मैंने 3 नंबर पे कनेक्ट किया है, 3 नंबर चैनल पे मैंने कनेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने चैनल 3 नंबर जो है चैनल 3 को यहाँ पे इनपुट में लगा दिया और इसका रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। अभी जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर रहा हूँ तो मैं इस मॉनिटरिंग कर रहा हूँ उसका लेवल कितना जाता, कहाँ तक जाता है। हेलो हेलो, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम सिग्नल आ रहा है ना। हेलो 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 हेलो, -37 dB ऐसा कुछ। तो आप इसको आपका जो प्रीएम्प है, साउंड कार्ड का जो प्रीएम्प है, नहीं तो मिक्सिंग कंसोल का जो प्रीएम्प है, उसके हिसाब से आप इसको पंप अप करेंगे। प्रीएम्प को गेन दीजिएगा, जिसके जिसे बोलते हैं, मैं गेन दे रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, मेरा मकसद है कि मेरे को -12 to -6 तक मेरे को रखना है ऑडियो को। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग, आप देख पा रहे हैं। हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक। तो मेरा जो प्रीएम्प का गेन जो है ये 37 dB बूस्ट किया, तब जाके ये सिग्नल आ रहा है आपके पास। हेलो 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 हेलो, जब मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगा तो ऑब्वियसली उस प्रेशर के हिसाब से आपका ऑडियो और भी पंप अप होंगे और आपको यहाँ पे भी शो करेगा ज़्यादा, और यहाँ पे भी आपको ज़्यादा शो करेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो,
माइनस सिक्स तक जब जब मैं पहुंच रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जीरो तक पहुंच रहा है, हेलो 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 हेलो। इसका मतलब जितना काटा हिलेगा उतना ही आपका ऑडियो हेल्दी हो रहा है, ये मानते हुए आपको रिकॉर्डिंग करना है। तो पहले आप इसका गेन सेट कीजिए, उसके बाद इनपुट में या जो जहाँ से आप ऑडियो को सेंड कर रहे हो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं लगाते हुए बिल्कुल ड्राई इफेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि जो अच्छा इंजीनियर जो है वो क्या कर सकता है, बाद में आपका ऑडियो पे कंप्रेसर डाल सकता है, डिले डाल सकता है, रिवर्ब डाल सकता है, बहुत सारे इक्वलाइजर डाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन पहले से ही अगर आप आपका ऑडियो कलर्ड हो गया या डिस्टर्ब हो गया या ओवरडब्यू हो गया या नॉइसफुल हो गया तो उसको बाद में आप निकल नहीं सकते, कोई भी इंजीनियर निकल नहीं सकता। इसीलिए रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको ध्यान से उसका लेवल सेट करना पड़ेगा। जब आप प्लेबैक करेंगे उसको भी आप उसी हिसाब से सेट करेंगे ज़रूर, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप उसका तो आपको पता ही होगा किस किस तरह से आपको गेन सर्जिंग करना है। आज जो टॉपिक लेके मैंने आया था ये था एक्चुअली व्यूमीटर के साथ और आपका जो डॉ है इस डॉ में आप कैसे आपका इनपुट लेवल को सेट करेंगे। तो पहले एक बार इस गाना को सुनिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। देखिए, मैं दूर नहीं तुमसे ये न सोचूं, कोई डमी सिंगर कि मैं गाना दूर चला। अब देखिए इसका आउटपुट देखिए, यारो मैं दूर नहीं, मैं अपना लेवल भी बढ़ाऊंगा इसका रिकॉर्डिंग करने के बाद, ये न तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं दूर चला तुमसे। देख रहे हैं, तो शायद मतलब साउंड को अगर डायनेमिक बनाने के लिए पहले से ही अगर आप अरेंजमेंट सब कुछ ठीक ठाक रखा है आपका, तो आप बेफिक्र रहिए कि आपका ऑडियो में कभी भी कोई डिस्टर्ब साउंड आएगा ही नहीं, नॉइज़ भी नहीं आएगा, इतना नॉइज़ भी नहीं आएगा और आपका साउंड हेल्दी होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, वो दूसरा कुछ टॉपिक लगे, तब तक अपना ख्याल रखना, नमस्ते।